हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, जिसमें मैंने बिना चीनी के बनाया है। ये बेसन और गुड़ की मिठाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यमी बनती है ये मिठाई और बहुत हेल्दी भी है। तो इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है और ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे मुँह में डालते ही ये मुँह में घुल जाती है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को, कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी। तो घी को हम गर्म कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया बहुत अच्छे से, अब इसमें डाल देंगे बेसन को। तो एक कप मैंने बेसन लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए ले लें। आधा कप आपको घी चाहिए और एक कप आपको इसमें बेसन लेना है। तो अब इस बेसन को हमें भूनना है। यहाँ गैस का फ्लेम है जो हमें बहुत ही लो रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इस बेसन को भूनना है, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे तो हमारा बेसन जल जाएगा। तो बेसन को हमें बहुत ही इजीली ही भूनना है, बहुत आराम से इसे हल्के जो गैस पर भूनते जाना है। इसे भूनने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक हमारा बेसन नहीं भूनेगा तब तक ये हमें हैवी लगेगा। जब ये हल्का हो जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा और इसके कलर में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो हमारा बेसन जो है वो भुनना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये काफ़ी भारी है, इसे इसी तरह से हल्के हल्के से हमें भुनते जाना है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए। यहाँ पे देखिए जो बेसन है वो काफ़ी लाइट हो गया है और इसने घी जो है रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है इलायची पाउडर का डाल दूंगी, ये फ्लेवर के लिए है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसे भी चला लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट और चलाया तो बेसन का कलर है जो काफ़ी चेंज हो गया है। बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे गुड़ को। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है गुड़ लिया है। तो गुड़ को मैंने अच्छे से इस तरह से पीसीज में कर लिया था। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गैस है जो वो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। आपको ये याद रखना है कि जब आपको गुड़ डालना है बेसन में तो आपको गैस जो है वो बंद करना है, फ्लेम को बंद करके ही आपने डालना है। तो इसे बस इसी तरह से आप मिक्स करते जाएंगे और जो गुड़ है वो बेसन में अच्छे से मेल्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने एक ले लिया थाली, उसमें थोड़ा सा लगा दिया है घी और अच्छे से फैला लिया है। अब इसमें हम जो बेसन हमने बनाया है उसकी बर्फ़ी को सेट करेंगे। आप किसी भी थाली या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसमें इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। तो सारा मटेरियल जो है हम बेसन का डाल देंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से, या कोई भी आप कटोरी ले सकते हैं, इस तरह से दबाकर एक साइड पे सेट कर लें। तो इसे गार्निश किया है मैंने सफ़ेद तिल और कटे हुए बादाम के साथ, जिससे ये देखने में तो अच्छी लगेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से लगा दिया है ऊपर। अब इसे हम प्रेस कर देंगे या स्पैचुला पे थोड़ा सा देसी घी लगाकर इस तरह से इसे दबा लेंगे ताकि अंदर तक सेट हो जाए। तो यहाँ पे अब ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे इस तरह से आप कट लगा लें और दोनों साइड से, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस जल्दी करना है क्योंकि ठंडा होने पर जो गुड़ है वो हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फटाफट लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं और इसे हम अब चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी और ये मुंह में जाते ही इस तरह से घुल गई ना कि जैसे आपने पता नहीं क्या खाया हो। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को प्लीज़ करेगा लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।